जेकर राम रहीम की पैरोल हो सकती है तो बंदी सिंह की जी रिहाई क्यों नहीं हो सकती। सब तो पहला तो यह रोस मार्च कढ़िया क्यों जा रहा है, यह जानना बेहद जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, सूबों के मुख्यमंत्री एक टकौंज रचते हैं कि असी इस संविधान के मुताबिक देश को चला रहे हैं। देश के विच जेकर उम्र कैद की सज़ा 14 से वध तो वध 16 साल है तो बंदी सिंह 32-32 साल तो किस संविधान के तहत अंदर रखे गए हैं, असं ये पूछना चाहते हैं। तो यह मोर्चा पूरी तरह संविधान का निरादर करने वाली सरकारां नूं नंगा करन लई लाया गया है। 26 जनवरी नूं कौमी इंसाफ मोर्चा रोस मार्च कढ़न जा रहा है। रोस मार्च बंदी सिंघां दी रिहाई दा है कि बंदी सिंघां नूं रिहा किया जाए, क्योंकि जेकर राम रहीम दी पैरोल हो सकती है तो बंदी सिंघां दी जिहड़ी उह रिहाई क्यों नहीं हो सकती। उन्हां मसलियां नूं लै के लंबे समय तो दिल्ली ते चंडीगढ़ ते मोहाली दे बॉर्डरां दे उपर प्रदर्शन चल रहा है। ये मोर्चा लग्या होया पक्का, उसके खिलाफ 26 तरीक न रोस मार्च कढ़िया जाना है। ट्रैक्टरां ते स्कूटरां ते मोटरसाइकलां ते गड्डियां ते सिंघ जिहड़े ने उह सड़कां दे उपर नज़र आउणे ने। कौमी इंसाफ मोर्चे तो बलविंदर सिंह जी मेरे नाल मौजूद ने। बलविंदर जी, रूपरेखा की रहने वाली हैगी 26 जनवरी की? देखो, सब तो पहला तो यह रोस मार्च कढ़िया क्यों जा रहा है ये जानना बेहद जरूरी है। ये रोस मार्च भारत के संविधान प्रति गुस्सा नहीं है, ये रोस मार्च उन्हां सरकारां दे खिलाफ है जिहड़ियां सूबे ते केंद्र दे विच राज कर रही हैं, पर उस संविधान नूं जिहदे नाल प्यार करन दा, जिहदा सत्कार करन दा वो बहुत वड्डा पखंड करदियां। देश दे प्रधानमंत्री, देश दे राष्ट्रपति, सूबियां दे मुख्यमंत्री एक टकौंज रचदे आ कि असी इस संविधान दे मुताबक देश नूं चला रहे हैं। साडा रोस इन्हां सरकारां दे प्रति है क्योंकि उस संविधान नूं पैरां च रोलदियां और वो उस संविधान का सत्कार नहीं करदियां, क्योंकि साडियां जिहड़ियां मंगां हैगियां उह सिद्धे संविधानक हक्कां दे नाल जुड़ियां होईयां। देश दे विच जेकर उम्र कैद की सज़ा 14 ते वध तो वध 16 साल है तो बंदी सिंह 32-32 साल तो किहड़े संविधान के तहत अंदर रखे गए आ, असीं ये पुछना चाहुंदे आ। साडी दूसरी मंग यह है कि विधानसभा दे विच 2018 च मता पास किया गया कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के समेत कोई भी धार्मिक ग्रंथ है, चाहे वह बाइबल है, गीता है, कुरान है, जेकर कोई वो बेअदबी करता है तो उन्हें उम्र कैद दियां धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। पर सरकार ने विधानसभा च पास किया बिल लागू नहीं किया, इहदा मतलब ये संविधान का निरादर कर रही हैं, विधानसभा का निरादर कर रही हैं। तीसरी गल है कि कोटकपुरा बहबल गोलीकांड जिदे उस वेले का मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, उस वेले का DGP दोषी है, उदे खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही और उदे लई विधानसभा दे विच विशेष सैशन बुलाया गया, SIT गठित की गई, उदे तो अलावा सरकार ने जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन बनाया। फिर की मतलब है ये चीज़ां बनाउण दा जेकर तुसीं उन्हां दीआं फाइंडिंग्स दे उत्ते, उन्हां द्वारा की गई तफतीश दे उत्ते दोषियों नूं गिरफ्तार नहीं करना। सो ये मोर्चा पूरी तरह संविधान का निरादर करन वालियां सरकारां नूं नंगा करन लई लाया गया है। सो असी तुहाडे जरिए पंजाब, इहदे नाल लगदे सूबे ते देश विदेश दे विच बैठे पंजाबियों नूं और सिखां नूं ये बेनती करदे आ कि भारत दीआं अंबैसियां दे बाहर और इत्थे मोहाली दे विच रख्या गया मार्च है, इहदे विच वध तों वध लोक शामिल होण, भावें उह किसी भी धर्म दे नाल संबंधित है, क्योंकि सरकारां सारे धर्मां दा निरादर कर रही हैं, क्योंकि ना केवल श्री गुरु ग्रंथ साहब बल्कि सारे धार्मिक ग्रंथां दी बेअदबी करन ते असीं उम्र कैद की सज़ा की मंग कर रहे हैं। सो तुहाडे जरिए ये दसना चाहते हाँ कि वध तो वध संगत इत्थे आउंदी है तो वह एक तरह के नाल संविधान का सत्कार करन वाली गल है, तो दूसरे पासे उन्हां चोरां नूं नंगे करन वाली गल है जिहड़े तरह तरह के झूठ बोल के लोगों दीआं वोटां लैके गद्दियां ते बैठ जांदे आ। सो दूजी गल ये है कि ये इत्थों चंडीगढ़ तो शुरू होएगा, बड़ैल जेल दी नुक्कर दे नालों ये मोहाली दे विच एंटर करेगा। 18 से 20 किलोमीटर का ये मार्च होएगा। सानू उम्मीद है कि इहदे विच जिस तरह फोन आ रहे हैं, जिस तरह सोशल मीडिया के जरिए हर बंदा अपील कर रहा है, 40 से 50 हज़ार लोग जिहड़े हैगे है वो इहदे विच शमूलियत करनगे और उहदे विच केसरी झंडे, काले झंडे, नीले झंडे लैके लोग अपने मनोभाव जिहड़े हैगे है इन्हां
लोटू सरकारां दे खिलाफ जिहड़ियां संविधान दा निरादर कर रही हैं वो बहुत शानदार अते शांतमई ढंग दे नाल करनगे। रविंदर जी, 26 तरीक की रूपरेखा जिस तरीके नाल तुसीं दसी कि मार्च कढ़िया जाएगा, लेकिन एक इतिहास 26 जनवरी दे नाल पहलां भी जुड़िया होया, कि उसनू सामण की कोशिश होवेगी कि उस तरीके की घटना इस बॉर्डर दे उपर या उस ट्रैक्टर मार्च दे उपर ना वापरे, क्योंकि जेल एक सेंसिटिव इलाका हैगा जिस दे नेड़ेओं ये पूरा मार्च निकलना हैगा, उसनू लैके की प्रबंध किए गए ने? देखो, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहना है कि ये मार्च पूरी तरह शांतमई होएगा। इस सारे समुचे प्रोग्राम नू कौमी इंसाफ मोर्चे नू साबोताज करन लई लगातार यतन हो रहे हैं। ये यतन उन्हां लोकां वल्लों हो रहे हैं जिन्हां कौमी इंसाफ मोर्चे दे सफल होण दे नाल जिन्हां ने जेलां च जाना है। तुसीं देखिआ कि पिछले दिनां च किस तरह SGPC दे प्रधान ने आके मोर्चे नू खंडित करन दी कोशिश की। इस तरह कल DSP का एक डिग्गिया होया फोन जिहड़ा वो मोर्चे दे मतलब कोले आया जिहदे विच वो साडे फोन टैप कर रहे आ। सो उन्हां फोनां दे राही वो ये जानना चाहते हैं कोई इहो जिहियां गलतियां लभ के वो सानू दबाउणा चाहते हैं, इस मोर्चे नू साबोताज करना चाहते। ये भी कह दिंदा कि एजेंसियां दे वल्लों ये मोर्चा लाया गया, इस तरीके दे नाल इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं कि एजेंसियां दा मोर्चा है, ये पंजाब दा माहौल खराब करना चाहते ने। इस तरीके दा जिक्र भी एक कह सकते हैं कि जिस तरीके दा अंदोलन दे विच हुंदा सी वो मोर्चे दे विच भी शुरू हो गया। देखो, मैं स्पष्ट कर देना चाहना है कि एजेंसियां दा मोर्चा एजेंसियां द्वारा पैदा किए गए उन्हां कंडियां नू नहीं चुगेगा। एजेंसियां दा मोर्चा किसी DSP दे फोन नू एक्सपोज नहीं करेगा। एजेंसियां दा मोर्चा SGPC दे आए प्रधान नू सवाल नहीं पुछेगा। ठीक है, इस करके ये अपने आप स्पष्ट कर रही है संगत के मोर्चा श्री गुरु ग्रंथ साहब की अगवाई च लग्या और ये लोगों का मोर्चा है। ठीक है, बाकी तुहाडा सवाल ये सी कि मार्च किस तरह मतलब वो 26 नहीं दोहराया जाएगा जिहड़ा दिल्ली दे विच होया। उहदे च दो तीन गल्लां है कि इत्थे ना कोई विधानसभा रस्ते च पैंदी है ना लाल किला पैंदा है। दूसरी गल यह है कि मोर्चे नू शांतमई रखने लई असीं उहदियां तीन लेयर्स बनाईआं ने। पहला नहिंग सिंघां दे घोड़े होणगे, उस तो पिछे पंज प्यारे होणगे, उस तो पिछे शब्द गुरबाणी का कीर्तन होएगा, उस तो पिछे शहीद परिवार अते बंदी सिंघां दे परिवार एक खुली ट्राली दे विच बिठाए जाणगे, उस तो मगर सारा जिहड़ा मार्च है चलेगा। मार्च नू संभालण लई 300 वलंटीयर जिहड़े हैगे आ उह तैयार कर रहे हैं। इस तरह ट्रैफिक कंट्रोल जत्था जिहड़ा हैगा वो साडे नाल रहेगा। इस तो अलावा साबका सैनिक ते नहिंग सिंह जिहड़े हैगे आ वो मोर्चे नू खुद कंट्रोल करनगे। बाकी पुलिस प्रशासन नू असीं बेनती करना चाहुंदे आ कि तुसीं पूरी तरह मस्तैद हो के जिहड़ा हैगा वो रस्ते भी क्लीयर कराओ इहदे, और असीं तुहाडे नाल सहयोग करांगे और तुसीं साडे नाल सहयोग करियो, क्योंकि साडा जिहड़ा मकसद हैगा वो सरकार नू नंगे करना है। वो सरकार जिहड़ी मुलाजमां दी भी दोखी है, वो सरकार जिहड़ी किसानां दी भी दुश्मन है, वो सरकार जिहड़ी मजदूरां नूं उहनां दा हक नहीं दिंदी, वो सरकार जिहड़ी किसे नूं इंसाफ नहीं दिंदी, असीं उस सरकार नूं रल मिल के नंगा करना चाहुंदे आ। ये साडा सारिआं दा यतन होएगा कौमी इंसाफ मोर्चे वल्लों। 26 जनवरी नूं इत्थे मार्च कढ़िया जाणा, लेकिन 26 जनवरी नूं लाल किले दे विच झाकियां कढ़ियां जांदियां ने। उस झाकियां दे विच हर एक सूबे दा वो कल्चर दिखाया जांदा, हर एक सूबे दी वो जड़ां दिखाईआं जांदियां ने जिस नूं देश देखदा, लेकिन उस जड़ां दे विच पंजाब दी झाकी जिहड़ी आ ओह नहीं आ रही। इस वार उसनूं किस तरीके दे नाल वेख रहे? सूबे दे विच गुरु नानक पातशाह दे सरबत दे भले दी विचारधारा चलदी है जिहड़ी ऊच नीच जात पात अते सब नूं किरत करो नाम जपो वंड छको दा सुनेहा दिंदी है। कोई भी राज करन वाली शक्ति आ ओह ये गल बर्दाश्त नहीं कर सकती। सो ये झाकी ना निकलना जिहड़ा हैगा ये पहली वारी नहीं होया, बहुत वार पिछलियां तकरीबन 10 सालां च केवल एक दो वार झाकियां उत्थे गईआं, क्योंकि साडा सूबा आर्थिक पक्षों मानसिक पक्षों राजनीतिक पक्षों धार्मिक पक्षों कंगाल कर दिता गया। उहदा कारण है क्योंकि इस सूबे दे लोग जिहड़े हैगे आ वो मरे पए भी उन्हां दे विच एक जीवन रौं जिहड़ी है चलदी रहिंदी है। तुसीं देखिआ कि देश दे विच नोटबंदी होई कोई नहीं बोलिया, GST लाया गया कोई नहीं बोलिया, सारियां पोलिटिकल पार्टियां ते सारियां जिहड़ियां संघर्ष करन वालियां धिरां सी वो भाजपा दी सरकार मूहरे मतलब लम्मियां पै गईआं। पर जिस वेले इत्थों दी खेती दे उत्ते अटैक हुंदा है, जिस वेले किसान लई पुत्तां वांग मां वांग जिहड़ी उहदी जमीन है वो खोण दा यतन हुंदा है, ते पंजाब उठ खलोंदा है।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਤਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਕਲਚਰ ਨਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਨਸ਼ਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਢਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ BBMB ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਥਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜੂਠਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕਬਾੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਕੁਣਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਗਿਜ਼ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਮਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਿਖੇਗਾ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਯਤਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਸਲੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੋਂ YPS ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ